एवरीवन, आज हम बात करेंगे प्रेगनेंसी के स्ट्रेच मार्क्स की। सबसे पहले तो ये ना आए प्रेगनेंसी के टाइम, इसके लिए आपको ये दो चीजें करनी है। अपनी बॉडी पे दिन में दो या तीन बार कोई सा भी अच्छा बॉडी मॉइस्चराइजर लगाएं। अगर आपकी स्किन हाइड्रेटेड रहेगी, मॉइस्ट रहेगी, तो स्ट्रेच मार्क्स पड़ने के कम चांसेस हैं। दूसरा, आप प्लीज उसको इच मत कीजिए, नाखूनों से स्क्रैच मत कीजिए, खुजली मत कीजिए अपने एब्डोमेन पे और थाइस पे। स्क्रैचिंग अगर आप कम करेंगे प्रेगनेंसी के टाइम, तो स्ट्रेच मार्क्स पड़ने के चांसेस भी कम हो जाएंगे। अब जब अगर आपको स्ट्रेच मार्क्स आ जाए प्रेगनेंसी के टाइम, तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम, जब तक आप दूध पिला रहे हैं बच्चे को अपना, उस टाइम तक हम कोई ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। जब आप बच्चे को अपना दूध पिलाना बंद कर दें, उसके बाद आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट कीजिए। वो आपको कुछ क्रीम्स देंगे जिनके अंदर रेटिनॉइड्स और ग्लाइकोलिक एसिड होगा। इन क्रीम्स के लगातार इस्तेमाल से कुछ 15-20% तक स्ट्रेच मार्क्स कम हो जाएंगे। लेकिन स्ट्रेच मार्क्स का मेन ट्रीटमेंट है फ्रैक्शनल रेडियो फ्रिक्वेंसी या फिर CO2 लेजर। अब लेजर्स और रेडियो फ्रिक्वेंसी ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि स्ट्रेच मार्क्स बने किस लिए है, कि स्किन का जो कोलाजन था वो फट के टूट गया है। अब क्रीम्स या ऑयल बहुत कम एक्सटेंट तक स्किन के अंदर जाते हैं, बहुत डीप स्किन के नहीं जा सकते और इतने ज्यादा असरदार भी नहीं होते। लेजर और रेडियो फ्रिक्वेंसी स्किन के अंदर डीप जाते हैं, फटे हुए कोलाजन को हटाकर नया कोलाजन धीरे धीरे बिल्ड करते हैं। जैसे जैसे नया कोलाजन बनता है, स्ट्रेच मार्क्स की अपीयरेंस भी कम हो जाती है। दोनों ही ट्रीटमेंट्स बहुत सेफ है अगर आप प्रॉपर डॉक्टर के पास जाए, किसी सलोन या स्पा में नहीं, और लेजर की जो क्वालिटी है उसका चेक करें। वो USFDA अप्रूव होना चाहिए। लोकल लो क्वालिटी के लेजर्स या फिर मशीन आप इस्तेमाल करेंगे तो फिर आपके साइड इफेक्ट्स के चांसेस ज्यादा रहेंगे। तो ये कुछ चीजें कीजिए प्रेगनेंसी के टाइम पे, खुजली मत कीजिए और मॉइस्चराइजर का लगातार इस्तेमाल करें, और बाद में हटाने के लिए रेटिनॉइड और ग्लाइकोलिक एसिड बेस्ड क्रीम्स का इस्तेमाल करें और फ्रैक्शनल रेडियो फ्रिक्वेंसी के कुछ सेशंस दें, तो आपको स्ट्रेच मार्क्स से काफी हद तक निजात मिल सकता है। खुश रहिए, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।